आदरणीय प्राचार्य महोदय, मंच संचालक, समस्त शिक्षकगण तथा मेरे सहपाठी भाइयों बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वंशिका सोनी कक्षा 10वीं से व्यास नाम का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व मैं आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियाँ रखना तिरंगियों ने वतन छोड़ा था, उन तिरंगियों ने वतन छोड़ा था, इस देश के रिश्तों को तोड़ा था, फिर भारत दो भागों में बांटा था, एक हिस्सा हिंदुस्तान था, दूसरा पाकिस्तान कहलाया था। एक हिस्सा हिंदुस्तान था, दूसरा पाकिस्तान कहलाया था। सरहद नाम की रेखा खींची थी, सरहद नाम की रेखा खींची थी, जिसे कोई पार ना कर पाया था। ना जाने कितनी माएं रोई, ना जाने कितनी माएं रोई, ना जाने कितने बच्चे भूखे सोए थे। ऐसा भी समय हम सबने काटा था, ऐसा भी समय हम सबने काटा था। आज हमारा प्यारा भारत अपना स्वतंत्रता दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त हम सभी के लिए गर्व और सौभाग्य का दिवस है। आज ही के दिन 1947 में हमारे देश को अंग्रेजों के 200 सालों के शासन के बाद आजादी मिली। आज मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया। यह दिवस उन सभी के त्याग, बलिदान और तपस्या का प्रतीक है। उन्हीं की याद में मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी। कतरा कतरा भी दिया वतन के वास्ते, कतरा कतरा भी दिया वतन के वास्ते, एक बूंद तक ना बचाई तन के वास्ते। यूं तो मरते हैं लाखों लोग हर रोज, यूं तो मरते हैं लाखों लोग हर रोज, पर मरना तो वो है जो जान जाए वतन के वास्ते, जो जान जाए वतन के वास्ते। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का एक ध्वज होता है, जो उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। हमारे प्यारे भारत का ध्वज है तिरंगा। हर साल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले पर जाकर तिरंगा झंडा फहराते हैं और फिर देश को संबोधित करते हैं। देश को संबोधित करने के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। आज हमारे भारत को आजाद हुए कई दशक बीत चुके हैं और इस दौरान हमारे देश ने हर क्षेत्र में दुनिया भर में अपनी थाप जमा ली है। हमारे देश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। हमारे देश ने शिक्षा, रक्षा, व्यापार, आर्थिक, साइंस, टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में विकास किया है। हमारे देश ने अपने दम पर अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी सफलता प्राप्त की है। इसका एक बड़ा उदाहरण है चंद्रयान 2, जो कि चंद्रमा पर हमारे देश का अंतरिक्ष यान है। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद से ही विकास के लिए कई कदम उठाए, जैसे जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जे का अंत और 1970 धारा का हटाया जाना, 2016 में 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण, जिसने हमारे देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। हमारे देश ने शुरुआत से ही विकास पर बहुत जोर दिया है और शिक्षा इसमें एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत से नए नए कानून लाए गए, बहुत विकास किया गया। इसके अंतर्गत कई योजनाओं का आगमन हुआ, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चले हम, और हाल ही में हमारे देश में नई शिक्षा नीति का भी आगमन हुआ है। यह शिक्षा नीति हमारे देश के भविष्य यानी हम सब बच्चों के बौद्धिक एवं मानसिक विकास पर जोर देती है। हमारे देश ने स्वतंत्रता के बाद से ही रक्षा के क्षेत्र में भी अपने आप को एक ताकतवर देश बनाया। हाल ही में हमारे देश ने अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत को समुद्र में उतार कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल। आज हम सभी को इस बात से बहुत खुश होना चाहिए कि हम सब स्वतंत्र हैं। यह इसलिए हो पाया है क्योंकि हम सभी देशवासी, हम सभी